तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 775 डीसी मोटर के लिए एक प्रोपेलर बनाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम पीवीसी पाइप पर 15 सेंटीमीटर की मार्किंग लगा देते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से 15 सेंटीमीटर के दो टुकड़े कट कर लिए। तो गाइस, आप इसके बाद हम पीवीसी पाइप के ऊपर और एक मार्किंग लगा देते हैं और उसे कुछ इस तरह से बीच में से कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर एक पीस पैप कट कर लिया है। दूसरे पाइप को भी हम मार्किंग लगाने के बाद कुछ इस तरह से कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से पीस पैप के छोटे छोटे टुकड़े कट कर लिए हैं। इसके बाद हम पीवीसी पाइप के टुकड़ों को बीच में से कट कर लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने प्रोपेलर के 3 पंखुड़िया बना लिए और एक पीवीसी शीट के ऊपर हम मार्किंग लगाने के बाद उसे कट कर देते। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने शीट को कुछ इस तरह से काटने लगे और उसके ऊपर कुछ इस तरह से मार्किंग लगा दिए। चलिए, अब हम पंखुड़ियों को कुछ इस तरह से कट कर देंगे ताकि हम उसे अच्छी तरह से चिपका सके। गाइस, आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से पंखुड़ियों को शेप दे दिया है और इसके बाद हम पीवीसी शीट के ऊपर इन पंखुड़ियों को पीवीसी की मदद से चिपका देंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से पंखुड़ियों को चिपका दिया है। तो चलिए, हम बाकी के पंखुड़ियों को भी अच्छी तरह से चिपका देते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं हमारा प्रोपेलर बनाकर रेडी हो चुका है। तो गाइस, हम प्रोपेलर के बीचों बीच एक होल कर देते हैं ताकि हम प्रोपेलर को मोटर के ऊपर लगा सके। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से प्रोपेलर के बीचों बीच एक होल कर दिया है। चलिए, इस प्रोपेलर को मोटर के साथ फिक्स कर देते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।